संतश्री आसाराम बापू यांच्यावर होत असलेल्या अन्याय व अत्याचाराला थांबविण्यात यावा व त्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी या मागणीला घेऊन बुधवारी महिला उत्थान मंडळ यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवेदन महामहिम राष्ट्रपती महोदयांना पाठवण्यात आलं. संत आसाराम बापू यांच्या प्रेरणेने गेल्या 55 वर्षांपासून महिला उत्थान मंडळाच्या वतीने स्वयं सदाचार सुसंस्काराचे धडे देऊन विविध सेवा कार्याचे संचालन सातत्याने केले जात आहे. आसाराम बापू यांना षडयंत्र रचित खोट्या आरोपांमध्ये फसवण्यात आलं आहे ही बाब निवेदनात नमूद करीत अनेक दाखले संदर्भ देऊन आसाराम बापू यांना आतापर्यंत बेल, पॅरॉल, फर्लो, शिक्षास्थगन आदी सवलती देण्यात आल्या नाहीत याकडे जिल्हा प्रशासनाचं लक्ष वेधीत या सर्व तथ्यांवर सहानुभूतीपूर्वक लक्ष देऊन आसाराम बापू यांची सन्मानानं सुटका करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. बुधवार आज 8 मार्च विश्व महिला दिवस के दिन बापूजी संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से महिला उत्थान मंडल की बहने आज हम निर्दोष संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई की मांग करते हैं और 30 जनवरी को बापू जी के खिलाफ सेशन कोर्ट से आए हुए फैसले की निंदा करते हैं क्योंकि संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष हैं. उन्होंने तो देश व समाज की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया. उन्होंने तो नारी तू नारायणी का हमें पाठ पढ़ाया है, नारी सशक्तिकरण को महत्व दिया है. महिला उत्थान मंडल की बहनों द्वारा आज विश्व भर में कई सेवा कार्य किए जाते हैं जैसे दिव्य शिशु गर्भ संस्कार, तेजस्विनी भव, भंडारी की सेवा, केती उत्थान कार्यक्रम, रक्षाबंधन कार्यक्रम, शरबत वितरण की सेवा, वृंदा अभियान की सेवा, इतनी सेवा आज विश्व भर में चलाई जा रही है. फिर भी संत श्री आसाराम जी बापू पर निर्दोष संत श्री आसाराम बापू पर आरोप लगाकर षड्यंत्र के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाकर 10 सालों से उन्हें कारावास में रखा गया है.